बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, साकार मुरलियों में, कलयुग का अंतिम सीन देखने की ताकत है ? कलयुग का अंतिम सीन देखने की ताकत है। अंतिम सीन देखने की ताकत मतलब जो हो रहा है वो देखने की ताकत नहीं, वो तो हमें पता है क्या होने वाला है। अंतिम सीन देखने की ताकत मतलब अंतिम जो वाइब्रेशन होगी उसमें टिक पाएंगे या पीछे खिसक जाएंगे। आने वाले समय के लिए बाबा ने दो बातें कही हुई हैं और हम सब ने सुनी हुई है। एक, बाबा ने कहा एक ऐसा समय आएगा जो सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। सुना है मुरली में? किस किसने सुना मुरली में? हाँ, बाबा ने कहा आबू रोड से किधर लगनी लाइन, आबू रोड से माउंट आबू तक सबने यहीं आना है। किस किस को लगता है कि सच्ची में ऐसा होगा कि सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा? पक्का पक्का लग रहा है या ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर? अच्छा, सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। अभी तो कुछ लोग हमारे घर में ही नहीं कह रहे। ये बहुत फास्ट होगा, इसीलिए बाबा ने कहा आप ये मत सोचो अच्छा इतने साल बाद धीरे धीरे इतने लोग मानेंगे, नहीं, ये फास्ट होगा। एक और चीज बाबा ने कही हुई है, ये झाड़ एक बार जोर से फिर हिलेगा, ये झाड़ मतलब बाबा के बच्चों का झाड़ एक बार जोर से फिर हिलेगा। अब इस सीन को सामने लेकर आओ, एक तरफ से सृष्टि की हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा, दूसरी तरफ से जो ऑलरेडी मेरा बाबा कह चुके हैं वो क्या हो रहे हैं, वो हिल रहे हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ होंगी। हम में से कौन कौन कॉन्फिडेंट है हम उसमें नहीं होंगे जो हिलेंगे? वो सब लोग कॉन्फिडेंट भी नहीं है क्या कि हम नहीं हिलेंगे? हाँ, ऐसे कैसे? जब बाबा कहते हैं कि ये झाड़ एक बार फिर हिलेगा, इसका अर्थ क्या है? अब वो समय तो है नहीं जो हमने छोड़ के चले जाना है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हिलेगा मतलब हम होंगे इधर ही, बैज पहना हुआ होगा लेकिन स्थिति हिलेगी। स्थिति में मेरा बाबा खिसक जाएगा। तो हम होंगे यहां ही, जाएंगे नहीं छोड़ के, लेकिन हमारी स्थिति में हम हिलेंगे। जैसे कोई रेस होती है ना, तो एंड का जो पार्ट होता है ना वही सबसे रिस्की होता है, उसी में सारे नंबर डिसाइड हो जाते हैं। तो अगर किसी ने वो लंबी वाली रेस देखी हो तो एंड में कहीं का कहीं स्कोर चला जाता है सारा, क्योंकि एंड में वो स्थिति बना के रखना वो है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत मति सो गति। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था पेपर तो एक सेकंड का ही होगा सिर्फ, आया था ना व्यक्त मुरली में, पेपर तो एक सेकंड का ही होगा, लेकिन उस एक सेकंड में, तो उस एक सेकंड के पेपर में मतलब वो एक सेकंड की जो फाइनल लाइन होती है ना वो रेस की। कई बार रेस में कोई जो दौड़ रहा होता है वो पूरे रास्ते आगे था, लेकिन वो लास्ट का एक सेकंड वो पीछे हो जाता है। तो आज अगर हम अपने आप को कहें मैं 5 साल से ज्ञान में हूं, मैं 10 साल से ज्ञान में हूं, मैं 20 साल से ज्ञान में हूं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने उतने साल बाबा की पालना ली है। लेकिन अब हमें अपने आप से पूछना है मैं आत्मा कितनी ज्ञान में हूं, कितने साल से ज्ञान में हूं, यह भी सिर्फ एक फिगर है, यह हमारा देह बांध का फिगर होता है 10 साल 20 साल 50 साल, उससे कुछ नहीं होता। मैं आत्मा कितनी ज्ञान में हूं,
मेरी स्थिति सारा दिन हर परिस्थिति में कैसी रहती है? वो जो मेरा लक्ष्य है वो मेरे से अभी कितना दूर है? समय तो बहुत फास्ट जा रहा है उसकी तरफ। अब तो हमें लोगों को कहना ही नहीं पड़ता कि समय कैसा हो रहा है, वो हमें बताते हैं। आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है? अभी ऑपोजिट हो गया समय। पहले हम उनको बताते थे आपको पता है कौन सा समय आने वाला है, अब वो हमें बताते हैं आपको पता है कौन सा समय चल रहा है। और कितने लोग तो कहते हैं वो जो आप लोग बोला करते थे ना वो शायद शुरू हो गया है, लग रहा है। इसीलिए कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा, आप औरों को तो सुनाते हो कि समय से पहले तैयार हो जाओ, अपने आप को समझाओ कि समय से पहले तैयार हो जाओ। तो ये जो टाइम होता है जब हमारे आसपास की वाइब्रेशन नीचे जाती है, जो कि आने वाले समय में और नीचे जाएगी, इसीलिए बाबा ने कहा कलयुग के अंतिम सीन को देखने की ताकत अर्थात वाइब्रेशन आसपास नीचे जाएगी। और हमारी कहाँ जानी है? हमारी कहाँ जानी है? हाथ रखो, हमारी कहाँ जानी है? कितनी ऊपर? अब इसको चित्र बनाना है अपने सामने और रोज इसको चेक करना है। सृष्टि की वाइब्रेशन कहाँ जानी है? कितना नीचे? करो हाथ, कितने नीचे? एकदम नीचे। मेरे आसपास के लोगों की वाइब्रेशन कितने नीचे जानी है? इतनी नीचे। और उस टाइम मेरी वाइब्रेशन कहाँ चाहिए? आप गैप देख रहे हैं कितना बड़ा है? गैप कितना बड़ा है? तो जो आने वाला समय है तो ये गैप क्या होता जाएगा? और बढ़ता जाएगा। किस सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे होती जाएगी और मुझ आत्मा की वाइब्रेशन कहाँ जानी है? ऊपर जानी है। लेकिन अगर मुझ आत्मा ने थोड़ा सा भी अलबेलापन किया, थोड़ा सा भी अलबेलापन किया, तो क्योंकि गैप बड़ा है, स्लोप स्टीप है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वाइब्रेशन किस तरफ जाने लग गई? नीचे। इसलिए जो एंड का पुरुषार्थ होता है, जो एग्जाम से थोड़े दिन पहले का जो समय होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। कई स्टूडेंट पूरा साल भी ना ठीक से पढ़े लेकिन एंड के समय में अच्छे से पढ़ के बढ़िया से निकल जाते हैं। ये वो समय आ गया है। अब हम कहते हैं ये बाबा तो शुरू से बोल रहा है वो समय आ गया, वो समय आ रहा है, लेकिन अब बाबा नहीं कह रहा है, अब तो दुनिया कह रही है वो समय आ गया है।